मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे यंग ऑडियंस आती है 21-22 की, बिकॉज आई रिमेंबर हाउ आई वॉज वेन आई वॉज 21, यूज टू बी सो एम्बिशियस, सो एम्बिशियस, सो अनएम्प्लॉयड ऑल्सो बट एम्बिशियस. आई वुड रीड अप अबाउट सक्सेसफुल पीपल की ऋतिक को कब मिली सक्सेस, 26 पे, फिर तो बहुत टाइम है. मैं काम करता हूँ 21 से 25 तक दारू पी लेता हूँ, 25-26 तक बॉडी बना के पॉपुलर हो जाएंगे. अब जब 30-20 के हो गए हैं तो भाई जो आइडल्स ही चेंज करने पड़ रहे हैं. मेरे से कोई पूछता है कौन है फेवरेट एक्टर, बोमन ईरानी. आई थिंक हर कला उमर मांगती है बोमन ईरानी. क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 30 तक ना आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आ जाता है कि आपकी आगे की लाइफ कहाँ जाने वाली है. 30 तक आपको एक अप्रोक्सीमेट, जैसे आप यंग होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे शायद मेरा पैशन नहीं मिल पा रहा है, है कि एक बार मेरे को मेरा पैशन मिल जाएगा तो फिर मैं उसमें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली ग्रो करता जाऊंगा, काम मजा बनता जाएगा, सक्सेस की सीढ़ी एक्सेलेटर बन एस्केलेटर की कुछ. ये सारे आपके मिसकंसेप्शन होते हैं. 30 तक आते आते आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है. जैसे मेरे को मालूम है अब मैं किसी भी फील्ड में चले जाऊं सब में मुझे सेम लेवल ऑफ सक्सेस ही मिलने वाला है, विच इज असिस्टेंट मैनेजर.